जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 19 जनवरी और 19 जनवरी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखना है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका उत्तर आपको बताना होता है, ठीक है? तो आप पूरा वीडियो अवश्य देखें और आपके जो कमेंट होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में शामिल किए जाते हैं। तो दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में रोज़ रात्रि 9 बजे हिंदी साहित्य की क्लास होती है, दोपहर 2:30 बजे लाइव क्लास होती है बाल विकास की, शाम को 6:30 बजे लाइव क्लास होती है बाल विकास और पर्यावरण की, तो वो ज़रूर देखें, ठीक है? और जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रेक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है? सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। साथ ही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी क्रिकेट टीम विदेशी मैदान पर 500 टेस्ट मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई? जल्दी से हमें कमेंट में लिखना है वो कौन सी टीम बनी है जो 500 टेस्ट मैच खेलने वाली पहली टीम बनी है, विदेशी जमीन पर बनी है। तो वो बनी है इंग्लैंड क्रिकेट टीम, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है? इंग्लैंड जो क्रिकेट टीम है, विदेशी मैदान पर सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली, 500 मैच खेलने वाली, 500 टेस्ट मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई। इंग्लैंड ने पहला टेस्ट 15 मार्च 1877 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला था और वो 500 क्रिकेट टेस्ट मैच खेलने वाली पहली टीम बनी है विदेशी मैदान पर, ठीक है? अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किस देश को इंटरनेट फ्रीडम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में वर्ल्ड के सबसे खराब देशों की श्रेणी में रखा गया है? तो वो रखा गया है पाकिस्तान, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाए, ठीक है? पाकिस्तान को इंटरनेट फ्रीडम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में वर्ल्ड के सबसे खराब देशों की श्रेणी में रखा गया। पाकिस्तान के अलावा इस श्रेणी में बेलारूस, तुर्की, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और इरिट्रिया को भी रखा गया है, ठीक है? अगला हमारा क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑर्किड की रेड लिस्टिंग के लिए जो है IUCN के साथ समझौता किया है? जल्दी से आपको बताना है तो क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के साथ समझौता किया है, तो कौन सी राज्य सरकार ने किया है? वो किया है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने, अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार, यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो इसका सही हो जाएगा। पूर्व में इसे नेफा के नाम से जाना जाता था, ठीक है? नेफा, तो ये चीज़ याद रखनी है। और अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने ऑर्किड की रेड लिस्टिंग के लिए जो है IUCN के साथ समझौता किया है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश का पहला, भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने प्रकृति बचाओ के लिए ऐसा कदम उठाया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहला राज्य बना है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। IUCN अरुणाचल प्रदेश के साथ ऑर्किड की रेड लिस्टिंग की जांच करेगी जो कि प्रकृति के स्वास्थ्य को बतलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस बैंक के साथ ऋण समझौता किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर होगा विश्व बैंक। विश्व बैंक के साथ किया है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है Washington DC में। भारत सरकार ने असम सरकार के लिए विश्व बैंक ऋण समझौता किया है जिसके अंतर्गत असम की सरकार ने जल परिवहन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 88 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है ऋण लिया है। मुख्यालय बता दें विश्व बैंक का कहां पर है, Washington DC में है। स्थापना हुई थी 1944 में। सभी लोगों को याद रख लेना है विश्व बैंक के बारे में। हाल ही में लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक को भारत की किस संस्थान का निर्देशक नियुक्त किया है? प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर बताना है, तो उत्तर होगा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो इसका सही है। लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक को राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का जो है निर्देशक नियुक्त किया है। सभी को याद रख लेना, आपसे पूछा जाएगा, है ना? नेक्स्ट है, निम्न में से कहाँ पर कृषि मंथन का पहला संस्करण आयोजित किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कृषि मंथन का पहला संस्करण आयोजित किया गया, तो ये किया गया गुजरात, यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो इसका सही हो जाएगा। कृषि मंथन का पहला संस्करण आयोजित किया गया गुजरात में, ठीक है? गुजरात में कृषि मंथन का पहला संस्करण आयोजित किया गया। यह एशिया का सबसे बड़ा खाद्य कृषि व्यवसाय और ग्रामीण विकास शिखर सम्मेलन है, तो सभी को याद रख लेना है कृषि मंथन का पहला संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है, गुजरात। गुजरात की राजधानी कौन है, गांधीनगर है।
ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश 2020 में 19वीं SCO प्रमुख की बैठक की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? वो करेगा भारत, यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जान लेते SCO का फुल फॉर्म है ना, तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है SCO का फुल फॉर्म है, और भारत 2020 में 19वीं SCO प्रमुखों की बैठकों की जो है मेजबानी करेगा। SCO प्रधानमंत्री के स्तर पर प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है तथा इसमें 8 सदस्यों और 4 पर्यवेक्षण देश शामिल हैं। इसके प्रमुख देश रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान है, तथा पर्यवेक्षण देश अफगानिस्तान, ईरान, मंगोलिया और बेलारूस शामिल हैं। तो इनकी जो मेजबानी करेगा वो करेगा भारत। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस लेखक को 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 29वें सरस्वती सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया है बासदेव मोही। बासदेव मोही, हम बोलते हैं ना कि सरस्वती बास करती है, बास सरस्वती बास करती है, तो 29वां सरस्वती सम्मान किसे मिलेगा? बासदेव मोही को। ठीक है, बास करती है तो बासदेव मोही है ना, बासदेव मोही को 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। सिंधी लेखक बासदेव मोही को 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। उन्हें उनकी लघु कथाओं के संग्रह चेक बुक के लिए सम्मान प्रदान किया जा रहा है। इन लघु कथाओं में समाज के वंचित वर्ग के दुख दर्द का निर्माण किया गया। वासुदेव मोही जो हैं अब तक 25 पुस्तकें लिख चुके हैं। इसमें कविताएं, कहानियां और अनुदित पुस्तकें शामिल हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो आपका उत्तर क्या होगा? हम आपसे पूछा जाएगा कि 29वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया है, तो वासुदेव मोही से को सम्मानित किया है। हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिट्यूशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की है? तो ये किसने जारी की है? उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिट्यूशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी विकास दर 5.7% रहेगी। अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 6.6% रहने के आसार हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी एशिया विश्व का सबसे तेज गति से प्रगति करने वाला क्षेत्र है। इस रिपोर्ट में वैश्विक वृद्धि में 1.8 रहने का अनुमान लगाया गया। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, कृषि मंथन के पहले संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? अभी आया है, तो कृषि मंथन का जो पहला संस्करण है ये गुजरात में किया गया। ठीक है, और कृषि मंथन के पहले संस्करण जो गुजरात के अहमदाबाद में किया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा खाद्य व्यापार ग्रामीण विकास सम्मेलन है, और ये चीज़ हमें इसमें याद रख लेनी है। ठीक है, कि इससे प्लेटफॉर्म पर व्यापार, उद्योग, शिक्षा, नीति निर्माण तथा अन्य हितधारक अपना ज्ञान और अनुभव साझा करेंगे, है ना। और ये आपको याद रख लेना है, कृषि मंथन के पहले संस्करण का आयोजन किया जा रहा है गुजरात में। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य में वार्षिक माधवपुर मेले का आयोजन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 का, किस राज्य में वार्षिक माधवपुर मेले का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया गुजरात, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। माधवपुर मेले का आयोजन गुजरात में किया गया है ना। और गुजरात के बारे में कुछ करंट अफेयर्स है, निम्न में से किस राज्य में सरदार पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसका उत्तर भी होगा गुजरात। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना किस राज्य में की गई? तो इसका उत्तर भी होगा गुजरात। 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो इसका उत्तर है गुजरात। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की है? तो इसका उत्तर भी क्या है? गुजरात। ठीक है, तो सभी लोगों को याद रख लेना है ना, इन सभी प्रश्नों को जो करंट अफेयर से संबंधित हैं। और हाल ही में माधवपुर मेले का आयोजन भी किया गया है, तो गुजरात में किया, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, सभी को याद रख लेना है। अगला प्रश्न, एक सर्वेक्षण के मुताबिक पाकिस्तान के कौन सा शहर में पेरिस और न्यूयॉर्क जैसे शहरों से भी कम अपराध हुए हैं? तो उत्तर हो जाएगा लाहौर। लाहौर जो कि पाकिस्तान का एक शहर है, जिसमें जो है सर्वेक्षण के मुताबिक पेरिस और न्यूयॉर्क जैसे शहरों से भी कम अपराध हुए, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है
वो इसका सही हो जाएगा। वैश्विक अपराध सूचकांक WUCI के द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक पाकिस्तान के लाहौर शहर में पेरिस और न्यूयॉर्क जैसे शहरों से भी कम अपराध हुए हैं। हाल ही में लाहौर की रैंकिंग 56 स्थानों का सुधार हुआ है। तो सभी को याद रख लेना है और आपको एक कमेंट में उत्तर बताना है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ या फिर वाराणसी? जल्दी से कमेंट में लिखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट में सभी को बताना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना है। सभी लोगों को फेसबुक पेज से जुड़ना है, IAS स्टडी ट्रैक, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से सभी को जुड़ना है, जहां पर आपको PDF मिलेगी, IAS स्टडी ट्रैक। और सेल्फ स्टडी क्लासेस में रोज 6:30 बजे शाम को लाइव क्लास होती है पर्यावरण और बाल विकास की, और रोज 2:30 बजे लाइव क्लास होती है बाल विकास की, रात्रि 9 बजे लाइव क्लास होती है हिंदी। देख लेते हैं सभी के बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट। सुप्रिया राज, इन्होंने बहुत बढ़िया, और इन्होंने रीता तोमर जी ने इन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत बढ़िया रीता जी। रईस भाई जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बढ़िया है ना। KR जी ने भी बहुत बढ़िया, इन्होंने भी कमेंट किया है। मोहम्मद सलीम साहब ने भी किया है, बहुत बढ़िया। सुनीता गुप्ता जी ने भी किया है, विराट कोहली, इन्होंने सही उत्तर बताया है। सबीना खान जी ने भी सही उत्तर बताया है, बहुत बढ़िया। अजित सानी ने भी सही बताया है, आनंद वर्मा जी ने भी सही बताया है, बहुत बढ़िया। मिशन एग्ज़ाम अकेडमी, इन्होंने बहुत बढ़िया मोटिवेशनल स्पीच यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, बहुत बढ़िया। और आदित्य गौतम जी ने भी इन्होंने बताया है, बहुत बढ़िया। सभी को इसी प्रकार से कमेंट लिखते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। जय हिंद।